अभ्यर्थी इतना हल्ला कर रहे हैं, आप लोग मौन यात्रा पे निकल रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। अग्निपथ योजना के विरोध में जिस प्रकार से सेना के अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद आज शनिवार के दिन बिहार बंद का ऐलान किया गया है। और आज ही के दिन देखिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मौन यात्रा पर निकले हैं, राजभवन जाने की बात कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के समर्थन में ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं चिराग पासवान का वो हुजूम जो कि अब हड़ताली मोड़ के पास पहुंच रहा है राजभवन जाने के लिए। किस प्रकार से एक बड़ा हुजूम यहां पर आपको नजर आएगा। चिराग पासवान के पीछे एक काली पट्टी मुंह पर बांधे हुए चिराग पासवान आपको नजर आएंगे। पुलिस पूरी तरह से ब्रैकेटिंग कर दिया गया, क्या ज्ञापन दे पाएंगे? वापस लिया जाएगा ये टीओडी मोन मार्च, ये मोन मार्च था, ये पुलिस का मोन मार्च कर दिया गया, ब्रैकेटिंग कर दिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चिराग जी, मोन मार्च चिराग जी। अभ्यर्थी इतना हल्ला कर रहे हैं, आप लोग मौन यात्रा पे निकल रहे हैं कि हम मुंह पे पट्टी बांधे या हम काला पट्टी मुंह पर बांधे चिराग पासवान और उनके तमाम जो कार्यकर्ता है लोजपा रामविलास के, वो आपको नजर आएंगे। बोल नहीं रहे हैं क्योंकि मौन यात्रा पर है, राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन को मैं आपको दिखा रहा है, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन तैनात है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे। पूरा घेराबंदी कर दिया गया है, किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये देखिए ये तमाम हम आपको तस्वीरें पुलिस की दिखा रहे हैं। तमाम जो लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हैं उनका बड़ा हुजूम इसका इस रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश में, लेकिन कोई भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इस प्रकार पुलिस का साफ निर्देश है। तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे। किस प्रकार का हुजूम है, लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता क्या बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे जाएंगे, बात करेंगे चिराग पासवान से, क्या कुछ कहते हैं देखिए। माइक हटा दे भाई, माइक हटा दे, बिजली बंद है, नहीं बोलना तो ठीक है, माइक लगाए हुए। बातचीत तमाम अधिकारियों और चिराग पासवान के बीच में हो रही है। चिराग पासवान का कहना है कि हमें राज्यपाल से मिलने दिया जाए, हम जा कर केवल ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, कोई हल्ला प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन तमाम अधिकारियों का कहना है क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है, जाने का जो परमिशन है वो नहीं है, इधर तो नहीं जाने दिया जाएगा। बातचीत चिराग पासवान और पुलिस अधिकारियों के बीच में जारी है, क्या कुछ इसका नतीजा निकलेगा, क्या चिराग पासवान जा पाएंगे, देखिए बातचीत हो रही है, हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जाने दिया जाएगा और छह लोग को ये साफ तौर पे अनुमति। यहाँ पर अधिकारियों और चिराग पासवान के बीच में जो बातचीत हुई उसमें ये है कि अधिकारियों का कहना है कि हम छह लोगों को जाने देंगे, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि हम 11 लोगों के साथ राज्यपाल से मिलकर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रोक दिया जाएगा, शायद आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। यह तमाम हुजूम बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी पुलिस प्रशासन की, किस प्रकार जो तमाम अधिकारी हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।